नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड करता है एक क्वेश्चन से, एक सवाल से, जो काफ़ी बार आपके दिमाग में भी आता होगा और हमारे भी दिमाग में आता रहता था कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं, तो क्या हम दोनों पीएन जंक्शन को एज ए डायोड यूज कर सकते हैं क्या किसी सर्किट में, या फिर दो डायोड की मदद से हम ट्रांजिस्टर बना के उसको यूज कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, इसी के ऊपर सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है और किस लेवल तक ये प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो है इसके लिए मैं क्या करूँगा। यहाँ पे ये मैंने पी एन जंक्शन बना दिया है, एक सिम्बोलिक है डायोड का, ये पी एन है, और कंपेरेटिवली मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बना देता हूँ एन पी एन। ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर है, ये आपका एमिटर है और ये आपका बेस है। अब हमारा सवाल ये है कि दो डायोड को यूज करके हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं क्या। ये जो पी एन जंक्शन है इसको मैं यहाँ पे डायोड के रूप में शो कर देता हूँ, ये पी और ये एन। ये जो पी एन जंक्शन है हमारा बेस एमिटर का, इसको भी मैं डायोड की तरह शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये इसका P है और ये इसका N है, एनोड जो है P है और कैथोड जो है N है। तो यहाँ पे दो डायोड बन गए हमारे, दो जंक्शन बने हैं पी एन जंक्शन, एक बेस कलेक्टर का और एक बेस एमिटर का। तो हम दो डायोड यूज करके ट्रांजिस्टर बना सकते हैं क्या, ये तो यहाँ पे 100% रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर जो बनता है उसका जो बेस है वो भी डोपिंग से ही बनता है, जैसे हमारा पी एन जंक्शन बनता है। तो बेस की डोपिंग हम जो है दो डायोड को कनेक्ट करके नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा दो डायोड से एक ट्रांजिस्टर बनाने का जो लॉजिक है वो तो प्रैक्टिकली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। हम प्रैक्टिकली दो डायोड से एक ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो ट्रांजिस्टर के जो पीएन जंक्शन हैं उनको डायोड की तरह यूज कर सकते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं उसको, हालांकि उसके एप्लीकेशन काफ़ी कम हैं। हम इसको जैसे हमारे स्टैटिक डिस्चार्ज वगैरह के लिए भी इसके जंक्शन को यूज कर सकते हैं, और कुछ जगह आप अगर हाई रेटिंग का अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है तो उसको यूज कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन यूज करने का तरीका क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी वर्किंग क्या है कि एमिटर के रिस्पेक्ट में बेस जो है वो पॉजिटिव रहे, और एमिटर और बेस दोनों के रिस्पेक्ट में कलेक्टर पॉजिटिव रहे, तब ये जो है वर्किंग में ये काम करता है प्रैक्टिकली। अब एमिटर के रिस्पेक्ट में अगर बेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब N जो है एमिटर और बेस जो है P पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है हमारा बेस एमिटर जंक्शन। और क्योंकि बेस और एमिटर दोनों के रिस्पेक्ट में जो है कलेक्टर इसका मोर पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि N है, यानी कि N पे ज़्यादा पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये रिवर्स बायस में काम करता है ये जब कंडक्ट करता है ट्रांजिस्टर हमारा। तो बेस टू एमिटर जो है पी एन जंक्शन वो ईजिली यूज कर सकते हैं, आप बेस पे कोई भी सप्लाई करें पॉजिटिव वो आपको एमिटर पे मिल जाएगी अगर आप कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो। यहाँ पे भी अगर कोई इसको अगर ओपन करें और इसको हम पॉजिटिव सप्लाई दें कलेक्टर पे मिल जाएगी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस भी पीएन जंक्शन को आप यूज करें तो उससे दूसरे पीएन जंक्शन का जो एन है उसको आप बेस से कनेक्ट कर दें। मान लीजिए मुझे पीएन जंक्शन यूज करना है ये आपका बेस और कलेक्टर का, तो एमिटर को जो है आप बेस से शॉर्ट कर दें, या आपने एमिटर वाले को यूज करना है तो आप कलेक्टर को बेस से शॉर्ट कर दें और यहाँ पे पॉजिटिव दें और यहाँ पे आप अपना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कलेक्टर एमिटर को भी यूज कर सकते हैं इनको शॉर्ट करके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो बेस कलेक्टर और बेस एमिटर ही हैं। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे पॉजिटिव देके और यहाँ पे लोड कनेक्ट करूँ उस केस में इसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए, वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं कि हम जो ट्रांजिस्टर के दोनों जो जंक्शन हैं उनको डायोड की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको करके देखते हैं। मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 13009, जो कि 12 एम्पीयर और 400 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि जो फर्स्ट लेग है वो आपका बेस है, सेकंड जो लेग है वो कलेक्टर है, और थर्ड जो लेग है वो आपका एमिटर है। ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है, और मैं चेक भी कर देता हूँ। आप डायोड पे अपने मल्टीमीटर को लगाएं और फर्स्ट लेग जो कि बेस मैंने बताया उसके ऊपर आप पॉजिटिव लगाएं,
क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बेस के ऊपर पी लगा दिया है मैंने पॉजिटिव, और आपका जो बीच वाला कलेक्टर है उस पर मैंने लगा दिया है नेगेटिव, तो इसने एक डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.466 वो शो कर दिया है। अब मैं एमीटर पे लगाता हूँ, पॉजिटिव को वहीं पे रखता हूँ बेस पे, तो इसने दूसरा एक जो है पीएन जंक्शन शो कर दिया है 0.5 जिसका वोल्टेज ड्रॉप है। यानी कि बेस से जो है दो पीएन जंक्शन हैं, बेस से कलेक्टर और बेस से एमीटर। अगर मैं रिवर्स करके लगाता हूँ, यानी कि नेगेटिव यहाँ पर लगाता हूँ बेस पे और कलेक्टर पर लगाता हूँ पॉजिटिव, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, ओपन सर्किट शो करेगा। और दूसरे पे लगाता हूँ एमीटर पे, तो वो भी आपका ओपन सर्किट शो करेगा। यानी कि ये 100% श्योर है कि ये जो हमारे हैं डायोड जैसे हमारा शो करता है वैसे ही पीएन जंक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस जो है एमीटर और कलेक्टर दोनों। तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास एक डीसी फैन है और एक ये 12 वोल्ट का मेरे पास रेगुलेटर सप्लाई है जो मैं जनरली यूज करता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। इस फैन का जो है नेगेटिव मैंने वाइट वाला जो है डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब इस फैन को 12 वोल्ट का जो नेगेटिव है वो मिल गया है। पॉजिटिव वाली जो वायर है वो हमारी अभी ओपन है इस फैन की। जैसे ही मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा ये फैन आपका ऑन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो पॉजिटिव है हमारे SMPS की वो बेस पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास दो इसकी लैग बची हैं और दोनों ही जो है बेस से जो है एक डायोड का जो है पीएन जंक्शन शो करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि दूसरी जो पॉजिटिव जो है हमारा फैन का जो पॉजिटिव है उसको मैं कलेक्टर पे लगाता हूँ। ये जो पॉजिटिव है ये हमारा SMPS का पॉजिटिव है, 12 वोल्ट सप्लाई का पॉजिटिव है। जैसे ही अगर ये डायोड के रूप में काम करेगा तो हमारा जो डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप रह जाएगा और बाकी जो है आपका आगे जो है वोल्टेज सप्लाई करेगा ये डायोड के थ्रू, क्योंकि अभी ये फॉरवर्ड बायस हो गया है। यानी कि बेस पे मैंने पॉजिटिव दिया है और कलेक्टर से मैंने पॉजिटिव निकाल दिया है। यानी कि ये बेस और कलेक्टर जो है फॉरवर्ड बायस काम कर रहा है फिलहाल यहाँ पे एज ए डायोड। और ये जो है फैन आपका ऑन हो गया है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्ट है और पॉजिटिव जो है डायोड के थ्रू इस फैन को मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा कलेक्टर की बजाय एमीटर पे चेक करता हूँ। ये एमीटर मैंने लगा दिया है, एमीटर पे भी ये जो है फैन ऑन हो गया है। यानी कि जो है बेस और एमीटर का जो पीएन जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस में काम कर गया है। अब मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस में चेक करेंगे कि ये हमारा रिवर्स बायस में ब्लॉक करता है, रिवर्स बायस में ये जो है करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है या नहीं करता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो बेस है हमारा जो कि हमारा NPN के अंदर P है, तो उसके अंदर मैंने इसका जो है फैन का ये लगा दिया है, फैन की वायर कनेक्ट कर दी है। और जो कि हमारा N था वहाँ पे मैं पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, N के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा दोस्तों, और रिवर्स बायस में इसको काम नहीं करना चाहिए। पहले कलेक्टर पे चेक करता हूँ मैं, ये कलेक्टर पे मैंने सप्लाई दिया है, ये फैन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यानी कि डायोड की तरह रिवर्स बायस में इसने करंट को ब्लॉक कर दिया है। दूसरा क्या है कि हमारा एमीटर पे चेक करता हूँ, उसने भी जो है रिवर्स बायस में ब्लॉक कर दिया है। यानी कि डायोड की तरह जैसे ब्लॉकेज होता है वैसे इसने ब्लॉक कर दिया है। यानी कि ये हमारे जो दो जंक्शन हैं पीएन जंक्शन ये डायोड की तरह हमारे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से ये मिसबिहेव ना करे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस जंक्शन को हमने यूज़ करना है बेस के साथ उससे दूसरे वाले को हम जो है बेस के साथ शॉर्ट कर देंगे ताकि वो पीएन जंक्शन हमारा मिसबिहेव ना करे। ये देखिए मैं इसको, क्योंकि ट्रांजिस्टर है तो ये हमारा बेस पे सिग्नल मिलने पे कंडक्ट कर सकता है, तो इसलिए मैं बेस को एमिटर से अभी शॉर्ट कर देता हूँ। बेस और एमिटर को शॉर्ट कर दिया है, बेस पे हमेशा पॉजिटिव सप्लाई देनी है और बचे हुए टर्मिनल से हमने लोड को कनेक्ट करना है। ये इसका फंडामेंटल है, ये हमारा काम कर गया है प्रॉपर तरीके से। अब इसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको डायोड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायोड से थोड़ा सा इसका वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा हीटिंग हो सकता है दिखाए ये, लेकिन फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है ये। अगर आप रेटिंग के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए मैं कलेक्टर को यूज़ ना करके एमीटर को यूज़ करना चाहूँ, तो फिर कलेक्टर को आप बेस के साथ शॉर्ट कर दें। ये हमने शॉर्ट कर दिया है और बेस पे ही आपने पॉजिटिव सप्लाई देनी है और लोड जो है आपका एमिटर पे भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी मैं करके देखता हूँ। जो
हम कलेक्टर और एमिटर दोनों को जो है शॉर्ट कर दें, बेस पे पॉजिटिव देंगे और आपका जो है ये दोनों शॉर्ट हैं, इन पॉइंटों के ऊपर हम लोड कनेक्ट कर देंगे। अब भी फैन हमारा ऑन हो गया है। तीनों ही केस में रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा। अगर मैं पॉजिटिव एमिटर कलेक्टर पे देता हूँ और बेस से लोड कनेक्ट करता हूँ तब ये हमारा फैन काम नहीं करेगा, यानी कि डायोड के रूप में ये सही काम करता है यहाँ पे। अब इसका ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं, तीनों के एप्लीकेशन भी अलग अलग हैं कि कहाँ पे आपने जो है स्टैटिक डिस्चार्ज के लिए इसको यूज़ करना है, कहाँ पे आपने इसको लोड कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने हिसाब से आपको यूज़ करनी पड़ेगी, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग से, कि पैरेलल करने पे इसकी करंट रेटिंग बढ़ती है, एमिटर और जो आपका बेस है वो आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप और एमिटर कलेक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन चीज़ों को देख के आपको इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है। लेकिन प्रैक्टिकली ये काम करता है एज ए डायोड, ये हमने आज यहाँ पे टेस्ट करके देख लिया है दोस्तों।